पांच एटिंग नौकरी और कारोबार के मामलों में दिन आपके काम का है। नए लोगों से कांटेक्ट होंगे, आज जो कुछ हासिल कर लेंगे वह आपकी तरक्की में जोड़ेगा। सजगता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखेगी। किसी काम में कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको किसी की मदद करने का मौका भी मिलेगा। जरूरी मामलों पर पार्टनर से राय लें। पिता से आपके संबंध ठीक रहेंगे। नेगेटिव खुद को खुश रखने के लिए खर्चा करने का रास्ता न अपनाएं। पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। कोई काम तुरंत बने या ना बने आप किसी तरह का शक मन में न रखें। माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। शाम को पैसे भी खर्च हो सकते हैं। क्या करें, गाय को घास खिलाएं? लव नई दोस्ती या किसी नए इंसान से परिचय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में खुशी का वातावरण रहेगा। करियर कारोबार में व्यस्त रह सकते हैं। अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। ऑफिस और फील्ड में सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट्स को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, पुराने रोग खत्म होंगे और सेहत में सुधार होगा। दाएं हाथ में चोट लग सकती है। वृश्चिक, काम में मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके सामने किसी ना किसी तरह की डिमांड रख सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहे। मौका मिले तो थोड़ा समय अकेले में बिताएं। घर परिवार के सामानों की खरीदारी भी हो सकती है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से बातचीत होगी। सलाह मिलेगी या आप देंगे। नेगेटिव, भाग दौड़ रहेगी। लगभग हर काम में बार बार कुछ रुकावटें आ सकती हैं। वृष राशि वालों को किस्मत का साथ कुछ कम ही मिल पाएगा। दिन जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों पर आप फालतू गुस्सा भी निकाल सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ सकता है। खरीदारी में आप या तो अति कर सकते हैं या बिना देखे समझे कुछ खरीद कर खुद का नुकसान कर सकते हैं। आपके निजी संबंधों में किसी तरह का असंतोष या गलतफहमी हो सकती है। सावधान रहे, खर्चा और बढ़ भी सकता है। क्या करें, चेहरे पर गुलाब जल लगाएं? लव लाइफ पार्टनर का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शिकायतों का भी दौर रहेगा। धीरे धीरे सब सुलझ भी जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। करियर बिजनेस से जुड़ी टेंशन रहेगी। साथ काम करने वाले लोगों से परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। निर्माण कार्यों से जुड़े लोग सफल रहेंगे। हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहे। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। मिथुन, पांच एटिंग उलझे हुए मामले आपके सामने साफ हो जाएंगे और आपके काम भी पूरे होने लगेंगे। आपको अपनी भावनाओं के आधार पर ही सफलता मिल पाएगी। पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। आपका नजरिया सकारात्मक होता जाएगा। आनंद से दिन बीतेगा। समस्याएं सुलझेंगी। कोशिशें आपको ही करनी होंगी। दिन भर फायदे के लिए कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। पैसों के निवेश के लिए कोई योजना भी बना सकते हैं। आज आप कुछ कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपको किसी ना किसी बात की खुशी भी रहेगी। इनकम और खर्चा बराबर हो सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। खाने पीने की चीजों की खरीदारी हो सकती है। नेगेटिव, निजी सम्मान की चिंता रहेगी। कोई समस्या आपके कामकाज में रुकावट बन सकती है। किसी उलझे हुए मामले को कल पर ना टालें। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। आपके सुख में भी कमी हो सकती है। क्या करें, अनार खाएं? लव, अविवाहित लोगों के प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर का मूड ठीक नहीं रहेगा। करियर बिजनेस में फायदा कुछ कम हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ट्रांसफर का योग बन रहा है। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। हेल्थ, पानी से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सावधान रहे। कर पॉजिटिव, रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं। आपके सामने आज जो भी मौका आए उसे ना गंवाए। कुछ खास मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आप जितने लोगों से मिलेंगे, जिसके साथ बातचीत होगी, उतने ही सफल भी हो सकते हैं। किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको सही सलाह मिल सकती है।
अपने साथ के लोगों के प्रति आप ईमानदार हो सकते हैं, इससे आपके संबंध सुधर जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को आसपास के लोगों की मदद मिलेगी। आप अपने कामकाज में सफल रहेंगे। नेगेटिव अधिकारी वर्ग से भी कुछ अनबन या भस होगी। गैर कानूनी कामों से पैसा कमाने की ना सोचे वरना फंस सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति से अनबन होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहे, खरीदारी में सावधान रहे, किसी मामले में अति भी हो सकती है। क्या करें, किन्नरों को मिठाई खिलाएं? लव, इस राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है। प्रेम के इजहार के लिए दिन अच्छा है। करियर बेकार के कामों में भी समय खराब हो सकता है। बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे हो सकते हैं, लेकिन फैसला अभी नहीं होगा। नए बिजनेस या नौकरी का ऑफर मिल सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत के बाद अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा। हेल्थ, सिर दर्द और कफ रोग हो सकते हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दें। सिंह ज्योतिष कुंडली के किस्मत वाले घर में चंद्रमा होने से सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपकी जीवन शैली में बदलाव होने के योग है। कुछ दिनों के लिए किए गए अच्छे कामों का फायदा आज आपको मिल सकता है। टेंशन भी कम हो सकती है। करियर में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें खत्म हो सकती है। ऑफिस और फील्ड में लोगों से सहयोग मिल सकता है। आपकी परेशानियां भी कम हो सकती है। आप कुछ अच्छे बदलाव के दौर से भी गुजरेंगे। कुछ नए विचार भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। आज आप नई योजनाएं बना सकते हैं। मेहनत का फायदा भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। पिता से मदद मिलेगी। कोई भी खास काम करने से पहले पूर्वजों को प्रणाम करें। विदेश यात्रा या दूर स्थान की यात्राओं की प्लानिंग बना सकते हैं। नेगेटिव, किसी पर अपनी बात मानवाने का दबाव ना डालें। पुरानी कोई बात कर ली है तो उसे पूरी तरह भूलने की कोशिश करें। पैसा रुक सकता है, खर्चा भी बढ़ सकता है। साथियों से मनमुटाव होने की संभावना है। लाइफ पार्टनर की इच्छाएं पूरी करने के लिए मन मारना पड़ सकता है। कारोबार में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके सामने आपके कामकाज की बुराई कर सकते हैं। क्या करें, किसी गरीब बच्चे को पनीर खिलाएं या दूध खिलाएं? लव, जीवन साथी से भी कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपका रोमांस चरम पर हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। विवाहित लोगों को अपने साथी से मदद मिल सकती है। करियर, नया ऑफिस या दुकान खरीदने का मन बनेगा। कारोबार के लिए यात्रा के योग है। नौकरी में परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, आपके साथ सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। थकान और आलस्य भी रहेगा। कन्या पॉजिटिव अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे। दूसरों से सिर्फ उतनी ही उम्मीदें रखें जितनी व्यावहारिक हो। कुछ नए अनुभव भी आज आपको हो सकते हैं। खुद को लचीला रखेंगे तो आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। अधिकारियों से बातचीत और बिजनेस के सौदों में गंभीर अंदाज रहेगा। आप हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और अपने सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे करवाने की कोशिश भी करेंगे। इसमें आप सफल हो जाएंगे। कारोबार से जड़ी कोई कठिन परेशानी सुलझाने की कोशिश में रहेंगे। रुके और उलझे हुए काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव, किसी मामले पर जरूरत से ज्यादा जिद ना करें। अपनी परेशानियां दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। थकाने वाला और तनावपूर्ण दिन हो सकता है। आपको कुछ नया नहीं करना चाहिए। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। आप सावधानी जरूर रखें। जरूरत से ज्यादा खर्चा, गुस्सा, रोग और कर्ज से परेशानी पैदा हो सकती है। फालतू यात्राओं का योग भी बन सकता है। अचानक हानि हो सकती है। पैसों के मामलों में किसी पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। क्या करें, पूरी या पराठे पर गुड़ रख कर चौराहे पर रख दें। लव, प्रेमी और लाइफ पार्टनर से मदद मिल सकती है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान भी करेगा। करियर, आपका पैसा कहीं अटक सकता है। कारोबार अस्त व्यस्त होने से तनाव बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में मकर राशि वालों को संभल कर रहना होगा।
चोट या छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। तुला का जेटिल करियर में आपकी उम्मीदें और संभावनाएं अच्छी रहेंगी। जिस चीज के लिए काफी समय से कोशिश करते आ रहे थे उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपके मन में जो नई और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए तैयारियां शुरू कर दें। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे तो बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। मेहनत कम और एकाग्रता ज्यादा रखनी होगी। पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। नेगेटिव पैसों के क्षेत्र में कुछ तनाव या दबाव भी महसूस हो सकता है। काम धंधे में थोड़ी सी लापरवाही से भी नुकसान होने की संभावना है। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने की कोशिश ना करें। ऑफिस और घर दोनों जगह की जिम्मेदारी को लेकर आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। क्या करें? पीपल के पेड़ पर पीला धागा बांधें। लव अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी की मदद और प्यार मिल सकता है। करियर बिजनेस के विवाद निपट सकते हैं। आपको फायदा भी होगा। ऑफिस या फील्ड का माहौल आपके फेवर में हो सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। हेल्थ सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पेट संबंधित तकलीफ हो सकती है। वृश्चिक राशि दिन भर आपको शारीरिक और मानसिक फुर्ती रखनी चाहिए। प्रेमी या जीवन साथी से संबंध और भरे हो सकते हैं। कोई नया काम करने का मन बना सकते हैं या चलते काम को ही किसी नए तरीके करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिल सकती है। अनचाही स्थितियों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इनकम को लेकर पुराना डर खत्म हो सकता है। बड़े भाई से मदद मिल सकती है। काम धंधा बढ़ाने के लिए आपने मेहनत की है तो नतीजे भी आपके फेवर में होंगे। नेगेटिव, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा जिद ना करें तो ही अच्छा है। बकाया काम भी आपके सामने रहेगा, उसे निपटाने का दबाव भी आप पर हो सकता है। किसी दोस्त से अनबन हो सकती है। ऐसे ही अनबन सुलझाने वाले मामलों में कोई कदम न उठाएं। हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। दुश्मनों से भी परेशान हो सकते हैं। क्या करें? भून खाने का तेल जमीन पर गिरा दे। लव जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। करियर, दोस्तों और आसपास के लोगों से बिजनेस में मदद मिल सकती है। कारोबार भी अच्छा रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। सावधान रहे। हेल्थ गैस और एसिडिटी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें। धनु राशि चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें भाव में रहेगा। काम से जुड़ी प्लानिंग पर काम होगा और सफलता मिलेगी। एक काम खत्म होते ही दूसरे के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे। जल्दी ही आपको कुछ और अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कल तक जिस समस्या से परेशान थे वही आपके लिए मामूली हो सकती है। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे तो राहत मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सोचे हुए काम निपटाने में आप सफल रहेंगे। थोड़ी मेहनत और त्याग करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। घर या ऑफिस में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी से मुलाकात और बातचीत करके उलझे हुए मामले सुलझा लेंगे। किसी को आपसे बहुत ज्यादा भावनात्मक मदद की जरूरत भी रहेगी। नेगेटिव, आप किसी बड़े पद पर हैं तो सावधान रहे। कोई बात या बयान आपको परेशानी में डाल सकता है। भागदौड़ या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आप ज्यादा जोश में आकर खुद का ही नुकसान कर सकते हैं। लव, आपका कोई प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो सकता है। प्यार को इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दे। करियर बिजनेस से जुड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। कारोबार बढ़ाने की कोशिश में सफलता मिल सकती है। निचले वर्ग के लोगों से मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ थकावट रहेगी। आराम करें नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। मकर राशि परिवार के साथ बातचीत करके परेशानियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी दोस्त या प्रेमी से आपको कोई वादा भी करना पड़ सकता है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।
कुछ लोग आपको पापी कर सकते हैं। आज आप अजीब तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिल जाएगी। कुछ लोगों को अपने मकान के लिए किराएदार भी मिल सकते हैं। नेगेटिव, आपको सावधान रहना चाहिए। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा रहेगा। कोई सामाजिक घटना हो सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़ी किसी बात का डर आपको परेशान कर सकता है। इससे आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। दिन भर संभल कर रहना होगा। घर परिवार की चिंता भी लगी रहेगी। कामकाज में नए बदलाव करने से बचे। क्या करें? केसर चंदन मिलाकर तिलक लगाएं। लव प्रेमी की बातों पर भरोसा करें, शक ना करें। आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लवर को गिफ्ट में कॉस्मेटिक्स दे। करियर ऑफिस या फील्ड में समय आपके फेवर में नहीं होने से परेशानी महसूस होगी। कुछ नया ना करें। बिजनेस में नए प्रयोग करने से बचना होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, सिर और पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। खान पान पर पूरा ध्यान दें। कुंभ राशि, आप दिन भर सावधानी से काम करेंगे। कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं जिनमें आप रुचि दिखाएंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कोई आखिरी फैसला ना करें। थोड़ा समय लें, शांति से विचार करें, सारे विकल्प और फायदा नुकसान को देख लें। नौकरी के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। आप हर समस्या से आसानी निपट लेंगे। आपके मन में कोई योजना चल रही है तो उससे आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आज आपके ज्यादातर काम जो अधूरे थे वो पूरे हो जाएंगे। आप वाणी के दम पर सोचे हुए सारे काम पूरे कर सकते हैं और करेंगे भी। छोटी कारोबारी यात्रा भी हो सकती है। न्यायालयीन कामों में आज आप सफल रहेंगे। नेगेटिव, आज आपके सामने कई तरह के मामले चलते रहेंगे। आप उनमें ही उलझे रह सकते हैं। आज आपका झूठ पकड़ा जा सकता है। बहुत सी चीजों में आप व्यस्त रहेंगे। आपके कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। क्या करें? शिव मंदिर के शिखर दर्शन करें। लव प्रेमी या जीवन साथी से भस हो सकती है। जरा सी भी बात से विवाद हो सकता है। आज आप लव लाइफ को लेकर सावधान रहे। आज आप अपने प्रेमी से सिर्फ मीठी बातें करें। करियर, कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। समय आपके फेवर में रहेगा। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। वैसे तो दिन पैसों के मामले में आपके लिए अच्छा है। हेल्थ, चोट मोच लग सकती है। वाहन भी सावधानी से चलाएं। मीन राशि, नौकरी धंधे में अच्छी घटनाएं हो सकती है। निवेश में धन लाभ के भी योग है। चंद्रमा गोचर कुंडली के धन भाव में है। धन और भावनाएं आज दोनों आपके लिए खास है। इसका असर आप पर पड़ सकता है। आपकी लाइफ में जो भी कठिन स्थितियां हैं वे जल्दी ही सुलझ सकती है। धैर्य रखें। आप जितने शांत और संयम में रहेंगे, तनाव को जितना टालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हर मामले पर खुले मन से विचार करें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अच्छी मेहनत करेंगे तो चुनौतियों से निपट जाएंगे। नेगेटिव, किसी बात को लेकर आप थोड़े जोश में भी आ सकते हैं। शांत रहे, लोगों की बुराई करने से बचे। काम के बोझ और तनाव के कारण आप थोड़ी छुंछलाहट भी महसूस कर सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी से भी ना उलझे। इस तरह से किसी को भी चैलेंज देना आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या करें? भगवान को घी का दीपक लगाएं। लवमीन राशि वालों की मैरिड लाइफ आरामदायक और खुशियों से भरी रहेगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे लेकिन फिर भी कुछ दखल देंगे। कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस बढ़ाने में सफल रहेंगे। हेल्थ, थकान और नींद की कमी हो सकते हैं।